जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई एम रोहित ठाकुर। एवरीवन वेलकम टू दी क्लास। चलिए भाई जल्दी जल्दी सबके सब लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे। वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। जिन्होंने भाई चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स, और ये आपका जो है लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैं आपको रोज़ बताता हूँ, इसको आप रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं। जो आपका टाइम टेबल है, दैट इज़ दिस टाइम टेबल यू नीड टू फॉलो। अब जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ जो है अब आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन जो है रेगुलर बेसिस पे कवर करवाए जा रहे हैं। तो इसको रेगुलरली लगाते चलिए वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू गाइज। क्योंकि आप एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, उतना जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वॉरियर्स, 499 पर मंथ के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वन ईयर का पैकेज लें, जिससे कि आपकी अगले साल की भी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए। अगर आपके पास MBM कॉइन्स है तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को, पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। फर्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑफ नेशनल कैटेगरी। नेशनल कैटेगरी के साथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की ये न्यूज़ है। पेरियर टाइगर रिजर्व इनोवेटिव विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि इनोवेटिव विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन जो है किस रिजर्व में करी गई है, तो आपको ध्यान रखना है पेरियर टाइगर रिजर्व में ये किया गया है। A wind turbine has been constructed at Parrier Tiger Reserve in Thekkady as part of groundbreaking project to power Wi-Fi connectivity and real-time monitoring cameras throughout the vast forest. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे, the reserve attempts to improve conservation technologies and communication have advanced significantly with the action. The PTR East Division encompassing 17 forest sections previously relied on solar power for wireless communication and operational needs. However, the inefficiencies caused by the foggy climate and heavy rainfall often hindered the effectiveness of solar panels. तो ये additional information है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये install करा गया है। अगली news की तरफ बढ़ेंगे warriors. Second जो हमारी news है, that is of defense category, very important. इंडियन आर्मी लॉन्चेस ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर वेटरन्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉरियर्स। ये वाली जो न्यूज़ है आपके CDS एग्जाम में, FCAT एग्जाम में और आपके NDA एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS हैज़ इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ई सेहत मॉड्यूल। This initiative allows ECHS beneficiaries to receive online medical consultations from their homes, eliminating the need to visit ECHS polyclinics. तो देखिए भाई इससे क्या होगा, ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है भारतीय सेना ने लॉन्च करी है, ये अपने वेटरन्स के लिए लॉन्च करी है, जिसका नाम ई सेहत रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि जो है इलेक्ट्रॉनिकली बेसिकली कंसल्टेशंस जो है वो ले सकते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है, उनको कई बार ECHS पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता है, बट इस पोर्टल के थ्रू जो है वो कंसल्टेशंस ले सकते हैं। ई सेहत जो है एक मॉड्यूल है जो ऑफर करता है वीडियो बेस्ड कंसल्टेशन, एम करता है एनहांस हेल्थ केयर डिलीवरी फॉर वेटरन्स बाय प्रोवाइडिंग टाइमली एंड क्वालिटी मेडिकल केयर रिमोटली। तो कई जो हमारे वेटरन्स होते हैं वो अपने विलेज में सेटल होते हैं, होम टाउन्स में सेटल होते हैं, तो वहाँ से जो है ECHS जो होता है वो दूर होता है, जो रिटायरमेंट के बाद हमारे सैनिकों के लिए होता है, तो वो दूर होता है, तो उससे क्या है उनको फिर आना ट्रैवल करना पड़ता है। इसके लिए जो है ई सेहत अब लॉन्च कर दिया गया है, तो इससे जो है वो अपनी कंसल्टेशंस कर सकते हैं। ई सेहत मॉड्यूल कंपाइल्स विद द टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग in March 2020. To support this initiative, IT hardware and equipment have been distributed to all 427 ECHS polyclinic and staff members have received training to conduct online consultations. तो ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए भाई आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज अगेन इम्पोर्टेंट है, स्टेट कैटेगरी की है हमारी, प्लस नेशनल में मर्ज कर सकते हैं इसको। संतोष कुमार गंगवार इज नाउ झारखंड गवर्नर। तो ये आपको ध्यान रखना है, संतोष कुमार गंगवार जी जो है अब जो है झारखंड के गवर्नर बन गए हैं। तो ये पर्संस इन न्यूज भी जो है कैटेगरी में आता है। संतोष कुमार गंगवार अ फॉर्मर यूनियन कैबिनेट टुक ओथ एज ऑफिस ऑफ झारखंड 12th गवर्नर ऑन जुलाई 31। मिस्टर गंगवार 76 टुक ओवर एज नेक्स्ट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर सीपी राधाकृष्णन वाज अपॉइंटेड। मिस्टर गंगवार वाज स्वॉर्न इन बाय एक्टिंग झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे वॉरियर्स। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, चीफ सेक्रेटरी एल खिंगटे, अदर मिनिस्टर्स, सेवरल डिग्निटरीज वर प्रेजेंट एट द ओथ टेकिंग सेरेमनी इन रांची। मिस्टर गंगवार एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ऑफ झारखंड एंड सेड ही वाज डिलाइटेड टू बी इन द लैंड ऑफ ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको, एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। चलिए भाई वेरी गुड, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगेन पर्सन इन न्यूज, प्लस रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, ये वाली कैटेगरी है हमारी। यूपीएससी चेयरपर्सन आईएएस प्रीति सुदान अपॉइंटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान इज शेड्यूल्ड टू टेक ओवर एज चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये देखिए अगेन ये वाली जो न्यूज है आपकी सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, एनडीए के लिए और किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, आईएएस प्रीति सुदान जो अपॉइंट किया गया है इनको चेयरपर्सन यूपीएससी। द गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज एक्नॉलेज्ड दैट दिस अपॉइंटमेंट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 316A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द यूपीएससी इज एस्टैब्लिश्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 323 पार्ट 14 चैप्टर 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस लीगल फ्रेमवर्क एनश्योर्स द कमीशन ऑटोनॉमी एंड सिग्निफिकेंस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1 अक्टूबर 1926। हेडक्वार्टर्स की बात करी जाए, धौलपुर हाउस शाहजहां रोड नई दिल्ली में सिचुएटेड है। चलिए वेरी गुड एवरीवन, आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये आप पर्सन इन न्यूज प्लस अपॉइंटमेंट्स हम इसको बोल सकते हैं। मोहसिन नकवी सेट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द एशियन क्रिकेट काउंसिल इज पॉइज्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट लीडरशिप चेंज एज मोहसिन नकवी द करंट चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू अज्यूम द रोल ऑफ ACC प्रेसिडेंट लेटर दिस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज ध्यान रखिएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल इज पॉइज्ड टू सिग्निफिकेंट लीडरशिप चेंज एज मोहसिन नकवी द करंट Chairman of Pakistan Cricket Board is expected to assume the role of ACC President later this year. Very important news. This transition adheres to the ACC's establishment rotation policy, ensuring representation from various members, nation at the helm of organization. Asian Cricket Council headquarters, Colombo, Sri Lanka. Asian Cricket Council founded कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 19 सितंबर 1983 नई दिल्ली में जो है इसके headquarters मौजूद है। Very good. अगली news की तरफ बढ़ेंगे warriors. अवार्ड एंड ऑनर्स हमारी कैटेगरी है ये वाली। वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड ऑनर तमिल एपिग्राफर वी वेदाचलम। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ईयर 2024 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ इंडियन एपिग्राफी एज वी वेदाचलम अ रेनाउंड तमिल एपिग्राफर एंड हिस्टोरियन रिसीव द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है किसको दिया गया है, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस न्यूज के रिलेटेड। दिस एकोलेड नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेज डॉक्टर वेदाचलम्स इंटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड बट ऑल्सो हाईलाइट्स द कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एपिग्राफिक स्टडीज इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज रिच हिस्टोरिकल टेपेस्ट्री। At the award event, Dr. Vedachalam delivers a lecture focusing on historical and political geography of Pandya Nadu.
This topic reflects his expertise in regional history and geographical context. ये आपको ध्यान में रखना है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. पहली न्यूज की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ विंड टर्बाइन इंस्टॉल्ड एट पेरियर टाइगर रिजर्व? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी पेरियर टाइगर रिजर्व में जो है विंड टर्बाइन इंस्टॉल जो करे गए उसका मेन पर्पस जो है आपको बताना है क्या है. हाँ जी बिल्कुल सही. टू पावर वाईफाई कनेक्टिविटी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग कैमराज इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द एम ऑफ ई सेहत मॉड्यूल इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर वेटरन्स? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. टू प्रोवाइड इन पर्सन कंसल्टेशन टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, टू ऑफर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन, या फिर टू ट्रेन वेटरन्स इन टेली मेडिसिन? वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely correct answers. Offer online consultation, medical consultation provide करने के लिए जो ई सेहत मॉड्यूल लाया गया है भारतीय फौज द्वारा वेटरन्स के लिए बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइकॉनिक ट्राइबल फिगर वॉज मैंशनड बाई संतोष कुमार गंगवार इन हिज स्पीच? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार पूछा भी जा सकता है कि ये जो हमारे ट्राइबल फिगर है किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर. Under which article of the Constitution is appointment of UPSC chairman या chairperson made? चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश एवरीवन. आर्टिकल 312, 316A, 320 या फिर 324? हाँ जी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 316 अल्फा जो है आपको ध्यान रखना बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड? चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. वेरी गुड बिल्कुल सही, कोलंबो श्रीलंका में जो है ये सिचुएटेड है.
चलिए भाई वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रोज की तरह जो है आपको क्लास को रिवाइज ज़रूर करना है, क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं। एम्बाइब एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं AI बेस्ड लर्निंग के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, 3D लर्निंग वीडियोस आप लोगों के लिए वहाँ पे मौजूद है। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप स्कैन करके एम्बाइब लेंस से उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वॉरियर्स। ये आपका टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना है CDS के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम टेलीग्राम हमारा चैनल है। क्लासेस की PDF जो है आपके साथ यहाँ पे शेयर करी जाती है, क्लासेस के लिंक्स आपके साथ शेयर करे जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्विज भी आप लोगों के लिए आते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 24/7 जो है आपको डाउट असिस्टेंस मिलता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.